हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस अभी क्या गर्मी का टाइम चालू हो चुका है, तो आपको पता है हमारी स्किन पर कई तरह से ऑयल से हमारी स्किन पर होने वाले नुकसान से आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप धूप में ज्यादा निकलते हो तो आपने देखो ऊपर जो पोर्स है वो ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। ओपन पोर्स के साथ साथ हमारी स्किन पर ब्लैकहेड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लैकहेड से हमारी स्किन पर कई ज्यादा स्किन बहुत ज्यादा भद्दी दिखना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा क्या ऐसे आप दिखते हो तो आपको भी बहुत बुरा लगता है। देखो गाइस, ऑयल से भी हमारी स्किन पर कई ढेरों सारे नुकसान होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखा होगा आपकी स्किन पर फाइन लाइंस की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो चुका होगा, या फिर आपकी स्किन पर झुर्रे की जो प्रॉब्लम वो ज्यादा आना स्टार्ट हो चुका होगा। तो देखो गाइस, इसी के साथ आज एक ऐसी क्रीम लेकर आया हूं जो आपकी स्किन का कई तरह के ढेर सारी प्रॉब्लम है उसको खत्म करने में काफी तक हेल्प करेगी। ये एक ऐसी क्रीम है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है और हमारी स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट ये देगी, क्योंकि इससे हमारी स्किन पर ना कोई साइड इफेक्ट होगा, ना हमारी स्किन पर एजिंग ऐसी कोई रेडनेस या फिर स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि गाइस ये एक ऐसा ब्रांड के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाता भी है और हमारी स्किन पर ज्यादा जो प्रोडक्ट बनाता है उसके अंदर ऐसा केमिकल यूज नहीं करते जो हमारी स्किन पर ज्यादा कर प्रॉब्लम दिखाता है। हाँ गाइस, इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज जरूर किया जाता है, लेकिन वो इतनी ही मात्रा में यूज किया जाता है जो हमारी स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट दिखा सके। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ डर्माटेस सिलिसिलिक एसिड एंड नियोसिनामाइड क्रीम के बारे में, जो कि बहुत अच्छे प्रतिशत में इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो दोनों यूज किए गए जो हमारी स्किन के लिए काफी तक बेस्ट होते हैं। तो बात करते हैं आगे सारे वीडियो में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी ही वीडियो आजकल बनाता हूँ जो आपकी स्किन के लिए काफी तक हेल्प कर सके, आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम उसको जल्दी से खत्म कर सके। ठीक है गाइस, इसका रिजल्ट कब कब मिलने वाला वो बताऊंगा, यूज करने का सबसे सही तरीका वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। 20,000 के करीब अपन सब्सक्राइब करके आप सब्सक्राइब करते हो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं नई वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए कि आपको हर एक क्रीम के बारे में पता होना चाहिए, आपकी स्किन पे जो प्रॉब्लम वो धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए। ये हमारी स्किन को ऑयल फ्री करने में काफी तक हेल्प करेगी, हमारी स्किन पर चर्म रोग को हटाने में भी काफी तक हेल्प करेगी। आपने देखो कई तरह के हमारी स्किन पर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, जो एचिंग जैसी प्रॉब्लम, रेडनेस या फिर ड्राई स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम आती है उसको हटाने में भी काफी तक हेल्प करेगा। हमारी स्किन के पिंपल्स के आकार को बिल्कुल कम करने में, उसको लालिमा को सूजन को बिल्कुल कम करने में भी काफी तक हेल्प करेगा। ये एक ऐसा एक्टिव मिश्रण जो हमारी स्किन के लिए काफी तक हेल्प करेगा, इसके अंदर बहुत अच्छे मात्रा में ये इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट के साथ साथ हमारी स्किन का टर्नओवर को बढ़ाने में काफी तक हेल्प करेगा। इस क्रीम के अंदर बहुत अच्छे गुण यूज किए गए जो हमारी स्किन के लिए काफी तक हेल्प करेगा, हमारी स्किन को अच्छे तरह से सेल्स के साथ साथ हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस नाम से स्किन है उसको रंग देने के साथ साथ हमारी स्किन की जो फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है उसको काफी तक हटाने में बहुत हेल्प करेगा। ये हमारी स्किन के बनावट में सबसे अच्छे सुरक्षित करने वाली एक जेल है। ठीक है, अब बात करता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, वो हमारी स्किन पर किस तरह से रिजल्ट दिखाते हैं, हमारी स्किन पर किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, पहले बात कर लेता हूँ सिलिसिलिक एसिड। सिलिसिलिक एसिड एक ऐसी जेल है जो हमारी स्किन के लिए काफी तक हेल्प करता है, हमारी स्किन के ओपन पोर्स को हटाने में के साथ साथ हमारी स्किन को ऑयल को बिल्कुल मेंटेन रखने में। अगर किसी की ज्यादा ऑयली स्किन है और उसकी ऑयली स्किन से हमारी स्किन में कई तरह के पिंपल्स होना स्टार्ट होते हैं, तो अगर आप यूज करना चाहते हो आपकी स्किन के ऑयल को बिल्कुल मेंटेन रखना चाहते हो तो सिलिसिलिक एसिड आपकी स्किन के लिए काफी तक बेस्ट होगी, आपकी स्किन का ऑयल को बिल्कुल मेंटेन रखने के लिए। ये एक्सफोलिएट करके हमारी स्किन के मर्त कोशिका को हटाने में काफी तक हेल्प करेगी सिलिसिलिक एसिड। ये हमारी स्किन के त्वचा को गहराई तक जाकर साफ करेगी, हमारी स्किन के जो गंदगी उसको निकालने में काफी तक हेल्प करेगी और छिद्रों को खोलेगी। तो ये सिलिसिलिक एसिड हमारी स्किन के लिए इस तरह का फायदेमंद होता है। बात करते हैं आगे इंग्रेडिएंट्स नियोसिनामाइड के बारे में। नियोसिनामाइड हमारी स्किन के धब्बे दाग धब्बे को हटाने में काफी अधिक हेल्प करता है, हमारी स्किन के लिपिड अवरोधक रूप में कार्य करते हैं, यानी कि हमारी स्किन के रेखाओं को हटाने के साथ साथ हमारी स्किन के झाइयों को हटाता है। ठीक है, लालिमा उनको हटाने में काफी अधिक हेल्प करता है नियोसिनामाइड। यह हमारी स्किन के मेलानिन को रोककर हमारी स्किन का हाइपर पिगमेंटेशन को बिल्कुल कम करने में भी काफी अधिक हेल्प करता है। सिलिसिलिक एसिड और नियोसिनामाइड का महत्वपूर्ण दोनों का काम अगर दोनों मिक्स हो जाते तो हमारी स्किन के ज्यादातर ऑयल को मेंटेन रखने के साथ हमारी स्किन को चिकना बनाने में काफी तक हेल्प करता है, यानी कि स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट बना देता है। जिस प्रकार हमारी स्किन पर आने वाले टाइम में किसी प्रकार ना तो कोई प्रॉब्लम होती है और गर्मी में और सर्दी में हमारी स्किन पर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वो हमारी स्किन को सेल्स को बढ़ाने के साथ साथ स्किन को बिल्कुल चिकना वो बनाने के साथ हमारी स्किन को ऑयल को बिल्कुल मुक्त कर देता है। जिस प्रकार हमारी स्किन पर ना तो मुहासे आते हैं, ना हमारी स्किन पर ओपन पोर्स नहीं आते तो हमारी स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम वो बिल्कुल नहीं होती, जो हमारे छिद्र है उसको बिल्कुल दोनों को खोल देती है। जिस प्रकार हमारी स्किन पर जो हम कोई क्रीम यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, वो हमारी स्किन के अंत तक ज्यादा कार्य करते हैं। अब बात करता हूँ आप कौन कौन से स्किन पर इसको यूज कर सकते हो, चाहे आपकी स्किन पर मुहासे वाली स्किन हो, ये स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन त्वचा हो, संवेदनशील त्वचा हो, पुरुष और महिला दोनों इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे हमारी स्किन पर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, मैंने बता दिया कौन कौन से स्किन पे इसको यूज कर सकते हो, सब कुछ मैंने बता दिया। अब बात करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, आपकी स्किन पर किस तरह के
अब बात करता हूँ आपकी स्किन पर किस तरह से इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी स्किन पीलिंग हो सकती है अगर आप ज्यादा आपकी स्किन पर यूज करते हो या फिर रेगुलर टाइम तक सालों से यूज करते हो तो। ड्राई स्किन उस पर ज्यादा अगर यूज करते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अन्य इस पर कोई प्रॉब्लम होगी कि रेडनेस अगर आपकी स्किन पर ज्यादा साइड इफेक्ट हो चुका है, साइड इफेक्ट स्किन पर आप यूज कर सकते हो करते हो तो आपकी स्किन पर और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं बात करता हूँ इसका यूज करने का बिल्कुल सही और सबसे सटीक तरीका और अच्छा खासा आप रिजल्ट पाना चाहते हो तो इसको एक ऐसा फेस वॉश यूज करो जो आपकी स्किन की ज्यादातर हेल्प कर सको। और आप रेगुलर टाइम तक ऐसा फेस वॉश यूज करते हो जो आपकी स्किन को अच्छे तरह से मेंटेन रखता ही है, उसके साथ इसका क्रीम का यूज करो, आपकी स्किन के लिए काफी तक बेस्ट होगा। ठीक है, नाइट में सोते समय इसका यूज करते रहिए, आपकी स्किन पर काफी तक फायदेमंद ये क्रीम दिखाने वाली है। ठीक है गाइस, सुबह उठने के बाद अच्छे से सनस्क्रीन यूज करना। सनस्क्रीन हमारी स्किन को अच्छे तरह से मेंटेन रखने के साथ साथ हमारी स्किन को बहुत अच्छा रंग देने में हेल्प करती है, यानी कि हमारे जो धूप से होने वाली किरणों से हमारा स्किन पर अगर नुकसान होता है उस नुकसान से हमारी स्किन को बचाने में काफी अधिक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मैं बहुत भी यूज करता, मैं पहले कोई सनस्क्रीन यूज नहीं करता था, लेकिन जैसे धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो चुकी है वैसे सनस्क्रीन स्टार्ट करना कर चुका हूँ, जिससे हमारी स्किन पर किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती गर्मी में, जिस प्रकार हमारी स्किन यूज करता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसके रिजल्ट के बारे में, देखो इस क्रीम का रिजल्ट थोड़ा धीमा रिजल्ट है, जो कि आपको कई समय बाद आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला। आपको इस क्रीम को रेगुलर लगाना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो ये बिल्कुल खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा हमारी स्किन पर वर्क करेगा, लेकिन हर एक क्रीम को हर एक जेल को वर्क करने में थोड़ा टाइम चाहिए, 3-4 दिन ये हमारी स्किन पर वर्क जल्दी से नहीं करेगा, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है ना गाइस, अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है एक बार डॉक्टर की सलाह लेके यूज करोगे तो स्किन के लिए काफी बेस्ट होगा, आपको मैं पहले ही ये सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, साइड इफेक्ट्स के बारे में बता दिया, फिर आप इसको यूज कब सब कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन कौन इसका रिजल्ट आपको कब मिलने वाला है सब कुछ। आज की वीडियो मैंने सारी जानकारी आपको मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो गाइस लाइक कर देना, और आपको मैं बता देता हूँ इसके परचेसिंग के बारे में, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप इसको मंगवा सकते हो, अच्छा खासा ग्राम में आपको अवेलेबल मिलेगी, अच्छा खासा प्राइस में आपको अवेलेबल मिलने वाली है। ठीक है, तो गाइस आपको मैं कुछ बात बताना भूल गया था कि आपकी जो जो स्किन किस किस स्किन पे ये प्रॉब्लम हो सकती है वो मैंने बताई, लेकिन ये नहीं मैंने आपको बताई कि यह आपको कौन कौन से स्किन पे सूट करेगी और कौन कौन से स्किन पे आपको लगाना है। तो गाइस देखो, आप तो हर एक स्किन पे आप इसको लगा सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन पे रेडनेस या स्किन सेंसिटिव या स्किन ड्राई है तो उस पर यूज मत करना, आपकी स्किन पर किसी प्रकार कौन सा भी नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर आपकी स्किन पर कुछ ज़्यादा ओपन पोर्स है या फिर डार्क स्पॉट की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यूज कर सकती हूँ। आपकी स्किन पर झाइयों की प्रॉब्लम है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, वैसा हमारी स्किन पे ऐसी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली है, हर एक स्किन पर सूटेबल है। अगर आप स्किन के पिगमेंटेशन के लिए भी यूज करते हो तो यूजफुल है, क्योंकि इसके अंदर नियोसिनामाइड यूज करेगा, नियोसिनामाइड हमारी स्किन के लिए काफ़ी तक हेल्प करता है हमारी स्किन के पिगमेंटेशन झाइयों को हटाने में।